डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम टॉप 1000 सीरीज में करंट अफेयर का पार्ट 3 देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले दो जो करंट अफेयर के पार्ट हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो जो ये 69 बीपीएससी जो 30 सितंबर को है उसके लिए जो ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है इसमें हम बिहार स्पेशल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले जो दो सीरीज़ आई है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर लिए गए हैं, ठीक है। इसमें स्पेशली बिहार के करंट अफेयर्स का जितने भी 100 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बिहार से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहाँ से काला तेंदुआ लाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी असम स्टेट। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है और उसी के अवसर पर असम स्टेट जू से पटना चिड़ियाघर में काला तेंदुआ लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। ये 30.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है, ठीक है, किस लिए? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पे है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय जिला बिहार में जो एक्सपोर्ट इंडेक्स निकलता है, जो कि नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स निकालता रहता है पूरे साल में, तो ठीक है, तो उसमें जो स्पेशली स्टेट वाइज आता है तो उसमें जो बिहार में बेगूसराय का जिला शीर्ष टॉप पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्था का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अस्मिता गुप्ता। अस्मिता गुप्ता को एशियाई विश्व अनुसंधान संस्था का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती पर बिहार सरकार प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 50% जो है वह किसानों का अनुदान में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2023 को 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तृतीय पुरस्कार मिला है बिहार को, ठीक है, किसमें? जो कि नवर सामुदायिक रेडियो पुरस्कार हुआ था उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक अब उच्च न्यायालय ने हटा दी है, ठीक है, तो बताएं कि किस तिथि से जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई है? तो इसका शुरुआत हुई थी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जनवरी 2023 में 7 जनवरी। कहाँ से? 7 जनवरी, एक सेकेंड, इसमें 7 मिसप्रिंट है, 7 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी जातिगत जनगणना के आधार पर, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी जिसको अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह सहरसा जिले से आती हैं और इनको वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप में अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट इंडेक्स निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 22वां, ठीक है। और बिहार में किसको फर्स्ट है? बेगूसराय को, बेगूसराय को बिहार में फर्स्ट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी भागलपुर। भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है, स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है, कब मिला है? जुलाई 2023 में। सिल्क सिटी कहा जाता है इसको, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विश्व बैंक ADB और भारत सरकार के बीच
$295 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बिहार, फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके लिए बिहार के जो राजमार्ग हैं उनको सही करने के लिए ADB और भारत सरकार के बीच में समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल की घोषणा के अनुसार किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि बिहार। बिहार में ये लेबर जो कार्ड के जो धारक हैं उन जो जिनके पास लेबर कार्ड है उनको साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और एकेडमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नालंदा। देखिए इसमें पटना दिया गया, बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ है वो पटना में, ऐसा नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या है, नालंदा। नालंदा में यह किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीन फील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है, इसका नाम क्या रखा गया। ठीक है, तो इसका क्या नामकरण किया गया, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, NH 319B। ठीक है, यह इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में होने जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस जिले के अनुज कुमार सिंह का चयन हुआ है। चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटोर के रूप में हुआ है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है कैमूर के अनुज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटोर के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अश्वमेध देवी को बिहार राज्य महिला का आयोग का क्या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, अक्षय आनंद सनी, इनको 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 603 करोड़। ठीक है, कितनी राशि दी है, 603 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 79.37%। ठीक है, 79.37% राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5000 करोड़ रुपए। कितना, 5000 करोड़ रुपए। 7 निश्चय क्या है, देखिए बिहार राज्य को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार 2015 में 7 निश्चय योजना लाई गई थी। ठीक है, और 2021 में नीतीश सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लाया गया था। ठीक है, इसमें कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, इसमें 7 महत्वपूर्ण योजनाएं, कौन सी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक पानी, चौथा है स्वच्छ गाँव, पाँचवा है समृद्ध गाँव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है कनेक्टिविटी होगी आसान, और सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, इसमें युवाओं को, महिलाओं को, इसके साथ साथ खेती सिंचाई गांव शहर सबके जो होता है कनेक्टिविटी, किस प्रकार से सड़कों द्वारा बाईपास और रोड और फ्लाईओवर के जो इस प्रकार से जोड़ने की जितनी भी योजना है वह इसके लिए लाई गई हैं, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान की भी प्रमुख योजना है। इसके तहत गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं, और इसके साथ साथ PHC-CHC के अंतर्गत जिला अस्पतालों को भी जोड़ने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अंतर्गत टीवी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है, एक सेकेंड, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2025। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन देखते हैं,
बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जलापूर्ति योजना के लिए कितनी उपबंधित राशि रखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 450.50 करोड़ रुपए। ठीक है, इतनी जो योजना है वह जल आपूर्ति के लिए रखी गई है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2023 में कृषि रोड मैप 4 लागू किया गया। इससे पहले पहला कृषि रोड मैप 2008 से 12 तक था, दूसरा 2012 से 17 तक था और तीसरा 2017 से 22 तक था और चौथा कब लागू किया? 1 अप्रैल 2023 में। ठीक है, इसमें बिहार में जो जिस प्रकार से हमें पता है कि बिहार की जो भूमि है या जो बिहार की जो मिट्टी है वह काफ़ी उपजाऊ है, तो उसको सही से उसमें सही प्रकार से कार्य करने के लिए और सब्जी अन्न और लीची का उत्पादन किस प्रकार से इन चीज़ों को करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली के लिए कितनी राशि उपबंधित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्या सही ऑप्शन है? ऑप्शन डी, 421.71 करोड़ रुपए इसके लिए उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्या है? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा राशि दी गई है, कहाँ दी गई है? शिक्षा विभाग में। जितनी भी मतलब जितना भी अभी तक का जितना बजट आया है उसमें जो सबसे ज़्यादा राशि है वह शिक्षा विभाग को दी गई है। ठीक है, कहाँ पर दी गई है? शिक्षा विभाग में। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विभाग दिए जाते हैं, उन सभी में शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा राशि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2061.88 करोड़ रुपए। ठीक है, 261.885 करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत बार जो है ये नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बार आपसे ये नंबर एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है तो अच्छा रहेगा कि आप इसको याद रखिएगा, 261.885 करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिशन इंसानियत। कौन सा? मिशन इंसानियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पटना। ठीक है, पटना में सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रथम पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृत व नितेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भोजपुर बिहार में। कहाँ पे किया गया है? भोजपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, खुशी कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 99वीं जयंती। ठीक है, कौन सी मनाई गई है? 99वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध करने के लिए चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, IIT पटना। IIT पटना को
बिहार के 6G पर शोध करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरमान। इनका पूरा नाम क्या है? अरमान आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7s चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, झारखंड को हराकर बिहार के टीम ने, बालिका टीम ने रग्बी में खिताब अपने नाम पे किया है, जूनियर नेशनल। कहाँ पे? जूनियर नेशनल में। और ये कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2023 को किशनगंज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 33वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजवीर सिंह भट्टी को नया DGP नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 2022 में जो पटना में आयोजित हुआ है उसमें 26वें जूनियर नेशनल स्पेक टकर चैंपियनशिप में 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टकरा। किसने? बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले के किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न का सम्मान दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोनी चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है उसके लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अभय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है इसमें गलत लिखा है ऑप्शन सी, पटना। ठीक है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार का SC ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रत्नेश सदा को बिहार के SC ST कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, अर्थात जो ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन मुंबई में किया गया था, इसमें बिहार के 225 विधायकों ने भाग लिया था और देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य डॉक्टर शकील अहमद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिहार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ई शिक्षा कोष पोर्टल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय फ्लोर नाइटेंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, गायत्री कुमारी को सम्मानित किया गया, यह बिहार के शेखपुरा से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर निगम ने पटना की ओर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, पटना को साफ सुथरा बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी, चकाचक अभियान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग किलोमीटर के बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजेंद्र। यहाँ पे गलत आ गया है, ये गजेंद्र लिखा गया, राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, ये बिहार के समय जो नए राज्यपाल बने हैं वो हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे गलत आ गया है, गजेंद्र, ये राजेंद्र है, इसको आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया था? कहाँ किया था? पटना में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में जो आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रमोद भगत को 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? 4000 करोड़ का। कितने का? 4000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नवादा में। नवादा में अडानी ग्रुप सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है। लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, बिहार दूसरे स्थान पे है, और बिहार में पूर्वी चंपारण जो है वह लेबर हब में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिशन परिवर्तन को किस लिए लॉन्च किया गया? अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में सुधारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले की किस एथलीट ने इसमें कांस्य पदक जीता है? ठीक है, ये कहाँ, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, केसर कुमार। केसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है और ये बिहार के गया जिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा नंबर भी सही है, ऑप्शन भी दूसरा सही है। ठीक है, बिहार का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की योजना की कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया में की गई ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस से सम्मानित किया गया है? मतलब कि बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जल जीवन हरियाली अभियान को। किसको? जल जीवन हरियाली अभियान को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह जो योजना है यह 2 अक्टूबर 2019 से शुरुआत हुई थी इसकी, और यह पश्चिमी चंपारण के प्रखंड बगहा से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और इसकी जो घोषणा हुई थी वह 19 जनवरी 2020 में गांधी मैदान में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, वर्षा का संरक्षण करना, जल संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण करना, आपदाग्रस्त जगह पे अपनी मतलब सुविधाएं देना, सिंचाई के कार्य को सही करना, भौम जल स्तर को सही रखना, वृक्षारोपण करना और इस प्रकार से लोगों को रोजगार देना। ठीक है, अभी तक इसमें 24,524 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है। ठीक है, और इसमें ये करना है कि ग्रीन कवर में जो बिहार का जो एरिया है उसमें 17% भाग उसको बिहार में ग्रीन कवर में लाने का इसमें प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट में के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, कृष्णन विनोद चंदन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। इससे पहले वह केरल हाई कोर्ट के जज थे, और इससे पहले कौन था चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट का? संजय करोल। ठीक है, उन्होंने उनका स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मधुबनी में। कहाँ पे किया गया है? मधुबनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5509 करोड़ का समझौता किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सही है इसका? GIC है, ऑप्शन सी।
JICA का फुल फॉर्म क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है, तो इसके साथ पटना मेट्रो के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि ये तीनों कथन सही है। यह 22 मार्च को मनाया गया, यह बिहार का 111वां स्थापना दिवस था और इस प्रकार की जो थीम थी इस वर्ष की वह थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, यह इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतरोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लक्ष्मी झा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 38। कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया है? 38 जिलों को। जो ये बनाई गई है योजना, जो रोड मैप बनाया गया है, जो चार, मैंने अभी आपको बताया ना कि तीन रोड मैप ऑलरेडी हमारे यहाँ आ चुके थे और जो ये नया रोड मैप है यह अभी अप्रैल से लागू हुआ है। ठीक है, और इस समय जो इसमें बनाया गया है उसमें 38 जिलों को जैविक खेती के लिए लागू किया गया। किस चीज़ के लिए? जैविक खेती के लिए। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था और कब तक चलेगा? ये 31 मार्च 2028 तक चलेगा। ठीक है, और इसमें कितने 1.62 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसमें 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और इस टाइम पे जो ये जो चौथा मैप है उसमें कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा और बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया जाने वाला है। ठीक है, और किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर भी प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण किया जाएगा और 1500 हेक्टेयर में जल संचयन की क्षमता को गार्लैंड ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किया जाएगा। इसके साथ साथ टिश्यू कल्चर द्वारा आधारित पौधशालाओं की घोषणा की जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, जहाँ पर जो स्थिति होगी या जैसे भी कंडीशन रहेगी वह एयरपोर्ट जैसी होगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर एक मिथिलांचल की सिंगर हैं, उनके गायिका हैं, उनको पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहिनी की प्रतिमा का अनिवारण किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2022 को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फिल्म लोटस ब्लूम्स का को प्रदर्शित किया गया? तो यह किस भाषा की थी? ये मैथिली भाषा की है। ठीक है, मैथिली भाषा को के की ये फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सबसे बड़े और पटना के बाद दूसरे बड़ा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अररिया। अररिया में पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है कि वह चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में बनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया जो है वह बिहार का राजकीय पक्षी है और इस वर्ष जो यहाँ का थीम था वह था आई लव स्पैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भागलपुर। भागलपुर में जिले पहला सेल्फ म्यूट और क्या बोलते हैं डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाल वाटिका की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बागमती और बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 100 ऐसे प्रखंड में ऐसे सामुदायिक पुस्तकालय खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्युत विनिमायक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 17 जिलों का चयन किया गया है बिहार में मीठी क्रांति के तहत शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यह से हमने कई प्रकार की क्रांतियां देखी हैं जो कि जैसे कि वाइट क्रांति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यह भी दूध से उत्पादन करने के लिए गई, तो यह जो है यह शहद मिशन को बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें जो 17 जिले हैं उसमें है रोहतास, भागलपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सारण और वैशाली। ठीक है, यह 17 जिलों का इसमें चयन किया गया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त में 1.3 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहद उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार 2023 में कितने देशी पर्यटकों ने बिहार में भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 32 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 से 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 12.90% सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत के साथ 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी निम्नलिखित में से कितने जिलों में से होकर गुजरती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन डी। ठीक है, एक से अधिक, तो ये किस किस जिले से गुजरती है? जो लखनदेई नदी है ये बिहार के सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है, भारत में। ठीक है, दक्षिण नेपाल और भारत में बहती है, तो ये भारत में किस सीतामढ़ी से प्रवेश करती है और सीतामढ़ी शहर से होते हुए मुजफ्फरपुर जिले के कटरा में बागमती नदी से विलय हो जाती है। ठीक है, तो यह बागमती नदी की प्रमुख उपनदी है, बागमती नदी की प्रमुख उपनदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिहार की आबादी के पास कितने प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 68%। ठीक है, और जो ये जो जनधन खाते हैं वह प्रतिशत की दृष्टि से देश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को दिल्ली में आयोजित 20वें CSIJE गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जल जीवन हरियाली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की ओर से पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, खुशी कुमारी। ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, खुशी कुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट
2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया था? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में इसका किया गया है आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने बिहार के 44वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है, इससे पहले वह कहाँ के राज्यपाल थे? तो इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, और इससे पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे? फागू चौहान। ठीक है, कौन थे? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, जिसके तहत सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फाइलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया, कहाँ पे उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफेम द्वारा इंडिया इनइक्विलिटी रिपोर्ट 2022 के तहत सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुंगेर में बिहार का पहला वानिकी कॉलेज और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। और पहला जो वानिकी कॉलेज है वहाँ, वो कहाँ खोला गया है? वह तेलंगाना में खोला गया है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान का को खोलने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV गंगा विहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 16.2% बिहार में से शहरीकरण की दर हो गई, जो कि बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 से बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 44.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवता 2016-20 में कितने वर्ष हो गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 69.5%। कितनी हो गई है? 69.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 में बिहार में औसतन वर्षा कितनी हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है 1414 मिलीमीटर। कितनी हुई है? 1414 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से है, तो बिहार में अगर हम देखेंगे वैसे कि कितनी औसतन वर्षा रही है, मतलब कितनी वर्षा यहाँ पर होती है, तो जिस तार पे हम देखेंगे तो बहुत, मतलब कोई खास उस तरीके की स्थिति हमें यहाँ पे अंतर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, वैसे बिहार की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। कितनी है? 112 सेंटीमीटर, यानी कि 1120 मिलीमीटर। ठीक है, और लास्ट ईयर कितनी हुई है, मतलब लास्ट 1414 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में सभी राज्यों में बिहार किस स्थान पर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2020 से घटकर कितनी हो गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कितनी हो गई है? 27। ठीक है, पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने की घोषणा बिहार सरकार ने की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10 लाख लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार खादी को बढ़ावा देने के लिए पटना की तर्ज पर दो जिलों में खादी मॉल बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर। पटना में तो ऑलरेडी एक खादी मॉल बनाने के उस पर है, और दूसरा पूर्णिया
और फिर मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिहार मिलेट मिशन की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंडघाट जलाशय का निर्माण 185.27 करोड़ की राशि से दिया जा रहा है? तो यह किस जिले में स्थित है? यह है जमुई जिले में। कहाँ पर है? जमुई जिले में स्थित है बहुआर नदी, और वहीं पर यह इस प्रकार की योजना चली जा रही है जिस प्रकार से यह किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के बारे में। देखिए, 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार के विधानसभा में 17वां आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। कब किया था? 27 फरवरी 2023 को। ठीक है, और उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि बिहार के प्रति व्यक्ति जो राज्य घरेलू उत्पाद है वह राष्ट्रीय औसत का 33.7 हो गया है, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय, अगर हम आय देखेंगे वर्तमान मूल्य पर, तो वह 54,383 रुपीज़ है। ठीक है, उस इस स्तर पे हम देखते हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बिहार में अगर हम जो बजट दिया गया था वह इस वर्ष का जो बजट है वह सबसे बड़ा बजट आया है अभी तक। जैसे मैंने अभी आपको बताया 261,885.40 करोड़ रुपए का बजट आया है। यह 28 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, और पिछले बजट की तुलना में इसमें 10.18% की वृद्धि की गई है, और इस बजट में विकास दर कितने रहने का अनुमान किया गया है? 15.24। ठीक है, और बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा 25,576 करोड़ रुपए, इसका राजकोषीय घाटे को अनुमानित किया गया है। ठीक है, जो कि 2.98% है, और इसके साथ हम देखते हैं कि बिहार बजट का 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय 79.37 है, जो कि कुल बजट का 79.37% है। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार में जितनी भी जो योजनाएं हैं और जिस प्रकार की जो बजट आया है वह इसमें ये। तो आज के वीडियो में इतना है, आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।